पांडा जी को लाए और हमें 3 दिन हो चुके थे, तो आज हमने सोचा कि क्यों ना आज इसको हम नहलाते हैं। तो ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद आप सब लोग खैर खैर से होंगे, सेहत तबीयत ठीक होगी। जैसा कि आपको पता है कि हम अपना खूबसूरत जानवर पांडा जी कर ले आए हैं, तो मैंने सोचा कि यार उसको शावर करवाया जाए, क्योंकि हम भी शावर लेते हैं, जारी बात है हम इंसान हैं, तो हमें गर्मी लगती है। बात तो सही है, इनको भी तो गर्मी लगती होगी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको यार आज हम नहला दें। ओह माय गॉड, ओके, इसने मुंह से तो बोलना नहीं है कि मैंने नहा दो, मैंने गर्मी लग रही है, मैं नहा पा दो, मैं नहा लग रहा है, तेरे बाप को मत सिखा चल। यार इसको शावर वगैरह दिलाते हैं और शावर वगैरह देखते हैं कि हम भैया मारता है कि नहीं, क्योंकि शरीफ है, तो शरीफ को जब कुछ भी काम करने लगा ना तो वो मारना स्टार्ट होता है। अभी इसके शावर के टाइम को नहलाते हैं, फिर आपको मिलते हैं शावर के दौरान। ऐसे 2-3 दिन हो गए हैं तो हमारा टेंशन भी लग रहा था, क्योंकि हम मंडी फिर के जाग रहे थे, तो जिसका से ना काफी थकावट हो गई थी। जी अली सर भाई, क्या सीन है, आज नहला दें इसे? फिर नहला दें? हाँ जी, अब इसको हम नहलाने लगे हैं और ठंडा ठुंडा करने लगे हैं। वैसे हमारा जानवर बहुत शरीफ है, तो अभी इसको जरा नहलाने वाला सिस्टम करते हैं। तो अभी इसको जरा नहलाने वाला प्रोसीजर स्टार्ट किया हमने। अभी फिलहाल इसको हमने गीला वगैरह कर दिया, और ये हमारा दूसरी गाय आ गई, सकलैन साहब उसे नहला रहे हैं, ये आ गया, और अभी इसको पांडा साहब को ठंडे पानी के साथ नहला रहे हैं। ठंडा हो, ठंडा, और बहुत शरीफ जानवर। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मारा मैं कुछ भी नहीं रहता, और अभी जरा इसको नहलाते हैं, फिर आपको साथ साथ दिखाते हैं कि मैं तंग करता भी है कि नहीं। साबन वाला हमारा प्रोसीजर हो चुका है डन, और एक तो हो चुका है हमारा गए वॉश। अब अली हसन भाई इसको साबन वगैरह लगा रहे हैं, शैम्पू के साथ ला रहे हैं। हसन यार सारा तूने शैम्पू लगा दिया, हमाल मैं तेरे बाप को मत सिखा चल। तो पर अब तू किसके साथ आएगा पहले ये बता, मुझे तू किसके साथ आएगा, मुझे मारो, मुझे मारो, मारो गाना लिया तुझे मारे देखी। जी नहलाने धुलाने के बाद हम इसको बाहर ले आए हैं, हसन साहब उसको चक्कर लगवा रहे हैं, ये देखें। हाँ कपड़ों का हाल है, तुम्हें घसीटा कैसा है? वैसे यार मुझे वो घसीटने वाली वीडियो जरूर बनानी चाहिए थी, क्योंकि इसकी ये आदत है कि हमारे जितने भी जानवर बंदे हो ना उनमें से अगर एक भी बाहर आ जाए ना तो ये कहेगा मुझे भी बाहर लेके चलो, इसी तरह ही है ना हसन साहब। गाय हमारी वगैरह बहुत शौक थी, तो नाश्ता वगैरह भी लेना था, तो मैंने कहा नाश्ता वगैरह भी ले लें, तो आ गया बेकरी। नाश्ता वगैरह हमने कर लिया है पिक, और अब हम जा रहे हैं अपनी गाय का खाना लेने, तो सारी बात हम अपनी पेट पूजा करेंगे, तो उनको भी पेट पूजा करवानी है। हमने नहला दिया और सब खुशक भी हो चुके हैं, सब सब अपने खाने में मसरूफ हो गए हैं। तो ये आ गए जी अपने पांडा जी, जो अपने खाने में मसरूफ हो गए, वो आ गया जी दूसरा जानवर जो अपने खाने में मसरूफ है, और वो सारे वो ब्लैक जानवर ले आया है, और दो जानवर को हम नहलाते नहीं है, क्योंकि वो मारना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी मैं भी जा रहा हूँ बस अंदर, तो फिर मिलते हैं आपको फ्रेश वगैरह होके नाश्ते के दौरान। सारे काम निपटा लिए, नाश्ता वगैरह भी कर लिया, अब अपना टाइम हो चुका है जॉब का, टाइम हो गया है 11:06, क्योंकि यार जॉब को और व्लॉगिंग को मैनेज करना बहुत मुश्किल ही काम है। ओके यार पांडा जी, मिलते हैं फिर आपको इंशाल्लाह रात को। 2000
2000 years later. तो ये सब अपने अपने जानवरों को लेकर आगे चले गए, तो इनके साथ अभी चलते हैं। खाना वगैरह तो मैंने खाया नहीं था, तो मैंने सोचा कि पहले इनको भी शहर वगैरह तो मांग रहे थे आके रात सो तो चलते ही। हमारा जानवर ना एक था, वो हो गया था अचरा, तो उसको माफ लेकर जा रहे हैं। तो ये सारे आगे अपने जानवर वगैरह वो आगे कुछ आगे, और ये आगे सिंथा, ये आगे और अपने जानवर अपने जानवर को लेकर निकलने की मजा आता है कि ऐसे सारे जानवर आगे पीछे चलते हो। ये आगे थे अपने पांडा जी, वो आगे पीछे वाले जानवर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। क्या हो गया भाई, भाईजान क्या हो गया? आगे है सब साहब पांडा जी को लेके। यहाँ पे हमारे माशाल्लाह सारे जानवर स्टे करके खड़े हो गए हैं, और आपको मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कुछ ना सीन क्रिएट हो गया है, इसी वजह से ना लास्ट में हमने अपने जानवर खड़े कर दिए। वो आगे से क्लैन के गए, क्लैन साहब उसे आगे लेके खड़े हैं। ये आ गया हसन, और ये आगे गली के वो किसी के भाई से हैं। सब जब जाते हैं ना शक्ल लगवाने के लिए, तो सबको एक बार लेते हैं, तो मज़ा आया। कैट वॉक को आगे ले आए हैं घर में, बस अभी अपने जानवर का वेट कर रहे हैं। ये आगे माशाल्लाह सब अपने जानवर, ये वो आगे जी पांडा साहब, ये आगे हमारे लास्ट, तो वो कुछ आगे बड़ा मजा आया यार। और बड़ा पांडा जी का काम सा करो, हर किसी को मारी जा रहा है, मारी जा रहा है। इसे जब बाहर लेके जाओ ना, तो अपने आप से बाहर हो जाता है, समझ नहीं आती इसकी। तो यार फाइनली अपने जानवर को लेके हम आ चुके थे घर, और चक्कर वगैरह करवा लिया, और ये आ गए अपने सारे जानवर। ये बैठा हो गया, ये खड़ा हुआ, ठीक है। ये बचा बाटी आ गई अपनी, ये भी बचा बाटी आ गए, ये आ गई माशाल्लाह से सारी जानवर मंडी। अगर आप जानवर खरीदना चाहते हैं तो इनसे रब्ता कर लें, क्योंकि हमारी मंडी में आज बहुत ज्यादा जानवर इकट्ठे हो गया माशाल्लाह से। क्या कहना चाहते हैं? हेलो हेलो यार, काफी थक चुके थे, मैं भी थक चुका हूँ, और ये जानवर भी अपने थक चुके हैं और बैठे हुए हैं। और फिलहाल ये बच्चा बाटे भी यहाँ पे बैठी हुई है, तो अभी इनके साथ थोड़ा एंजॉय होगा, क्योंकि अभी टाइम को दिखाई दो, मुझे टाइम को तो अभी ये वापस टाइम हो रहा है 2 रात के। तो अभी फ़िलहाल मैं आज का ब्लॉग यही कर रहा हूँ, एंड अगर आपको हमारा आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा है, कैसा नहीं। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट ब्रांड के ब्लॉग के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। टेक केयर, बाय बाय। ओके ओके।